नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मींस वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या वर्क करता है या किस चीज़ में हेल्प करता है, उसके बारे में हम समझते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन सर्व वेरियस पर्पसेस इन आवर डेली लाइफ। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, वो हमेशा हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही पर्पज़ को सर्व करता है हमारे सामने डेली टू डेली लाइफ में। इट इनेबल्स पीपल टू सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, प्लेसेस एंड सो ऑन। ये लोगों को सिम्बॉलिकली किसी ऑब्जेक्ट्स को, आप कोई किसी आइडिया को एक प्रारूप देकर उसे समझाने में इन्हें सक्षम बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द वर्ड डॉग इज लॉट ईजियर देन गेटिंग डाउन ऑन ऑल फोर्स एंड एक्टिंग लाइक अ डॉग। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है कि जब भी हम डॉग वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो एक ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है किसी ऑडियंस के माइंड में एक इमेज बनाने का, एक डॉग की इमेज बनाने का, ना कि वो ज़्यादा अच्छा तरीका हुआ कि हम उस डॉग की तरह वहाँ पे एक्ट करने लगें, ठीक है। तो जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। इट इज़ हैंस इम्परेटिव टू बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कह रही है? इसलिए ये वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से अच्छे ढंग से बातचीत करने में हमें सक्षम होने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज, मीन्स कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं वर्बल कम्युनिकेशन के, क्या हेल्प होती है हमारी उससे या किन चीज़ों को इम्प्रूव करने में ये काम आता है उसके बारे में दिया गया है। फर्स्ट है हमारा हेल्प्स अस मेंटेन रिलेशनशिप, यानी हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं किसी के भी साथ, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे पर्सनल हो, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। पढ़ते हैं, इट इज़ थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन एंड अदर सिम्बॉलिक एक्टिविटीज़ दैट रिलेशनशिप्स आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्स। क्या कह रही है? इट मीन्स ये वर्बल कम्युनिकेशन और अन्य जो भी हमारे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिम्बॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके माध्यम से ही होती हैं जो रिलेशन को बनाए रखने और उन्हें विकसित करने में काफ़ी हमारी मदद करती हैं, ठीक है। वेन एवर वी कम्युनिकेट वर्बली विथ अनदर पर्सन, जब भी हम किसी और पर्सन से हम वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मौखिक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अ ग्रुप और एन ऑडियंस अ रिलेशनशिप इज़ इनिशिएटेड, या फिर किसी ग्रुप या किसी ऑडियंस के साथ जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमेशा वहाँ हमारी एक बॉन्डिंग होती है उनके साथ, हमेशा एक रिलेशनशिप इनिशिएट होता है। अब चाहे वो ऑडियंस और स्पीकर का रिलेशनशिप हो, या फिर अगर हम पर्सनल लाइफ में जाएं तो फिर हम किसी भी अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, हम उन चीज़ों को जिस अकॉर्डिंग बोलते हैं हम उसी तरह से अपने रिलेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। क्या हुआ है? इसका मतलब हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज और एक्सपीरियंस यानी अनुभव होते हैं उन्हें एक मीनिंगफुल श्रेणी में व्यवस्थित करने में ये हमारी मदद करता है। पढ़ते हैं इसके बारे में, इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ आवर एक्सपीरियंस वी यूज़ वर्बल कम्युनिकेशन टू ऑर्गेनाइज द इवेंट्स इनटू लॉजिकल कैटेगरीज। इट मींस क्या है? जब भी हम अपने अनुभवों को समझने के लिए या घटनाओं को एक कहते हैं तार्किक श्रेणियों में, सीरियल वे में व्यवस्थित करने के लिए हमेशा हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द पीपल वी कम इन टच विथ आर लेबल्ड विथ टर्म्स लाइक फ्रेंड्स, एक्विटेंसेस, पीयर्स, फैमिली, कलीग्स एंड स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं अपने डेली लाइफ में तो उन्हें हम अक्सर फ्रेंड्स बोलते हैं या अपने परिचित बोलते हैं या फिर परिवार होते हैं हमारे या फिर कलीग्स होते हैं या कोई अजनबी होता है, हम उन्हें इन नामों से हमेशा लेबल करते हैं। अगर कोई हमारा जानने वाला है और वो हमारा मेरे साथ पढ़ता है तो हम उसे फ्रेंड की कैटेगरी में रखेंगे। अपने घर वालों को हम अपने फैमिली की कैटेगरी में रखते हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं उसे हम स्ट्रेंजर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स अस डिफाइन रियलिटी, वास्तविकता को पहचानने में या परिभाषित करने में हमारी मदद करता है। इट मीन्स
वी यूज़ वर्बल कम्युनिकेशन टू डिफाइन एवरीथिंग, आइडिया, इमोशन, एक्सपीरियंस, थॉट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। क्या बोला गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ हम सब कुछ डिफाइन करने में, लगभग हम सारी सभी चीज़ों को डिफाइन करने में लगते हैं, चाहे वो आइडियाज़ हो, हमारे इमोशंस हो, एक्सपीरियंस हो, थॉट्स हो, कुछ भी हो, हम उन्हें हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही, वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू ही डिफाइन करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ हाउ वी लेबल एंड डिफाइन वॉट वी एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। इट मीन्स क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन को हम किस तरह से अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में, और उसे किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से लेबल करते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल होता है। इमेजिन यू आर एट पार्क विथ, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है तो मैं पहले इसको पूरा पढ़ता हूँ। इमेजिन यू आर एट अ पार्क विथ अ फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, द डे इज सनी एंड ब्यूटीफुल, बट लेटर इट गेट्स क्लाउडी एंड बिगिंस टू रेन। ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड रेन यू डिफाइन द डे एज अ डिसअपॉइंटिंग एंड बोरिंग। हाउ एवर वन ऑफ योर फ्रेंड्स थिंक्स दैट दिस इट इज़ ब्यूटिफुल, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द वेदर ही माइट बी रिफरिंग टू द फैक्ट दैट ही वॉज हैविंग अ गुड डे बाई स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू दिया गया है कि सपोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने गए हैं, बट अचानक से वहाँ पे मौसम बेकार हो जाता है और सडन बारिश शुरू हो जाती है। अब आप में से कुछ होंगे जो ये सोचेंगे कि उसे इस तरह से डिफाइन करेंगे, या ये सोचेंगे कि हमारा दिन बहुत बेकार हो गया, हम आए थे मस्ती करने और बारिश होने लगी, ऐसा वैसा। और वहीं कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो सिर्फ इसी से खुश होंगे कि हाँ, हमें अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने का मौका मिल गया। ठीक है, तो हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमें एक सच्चाई से हमें रूबरू कराता है, एक सच्चाई हमें समझने में काफ़ी मदद करता है। नाउ नेक्स्ट है, हेल्प्स अस थिंक्स, मतलब हमें सोचने में काफ़ी मदद करता है। विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन वी वुड नॉट फंक्शन एज थिंकिंग बिगिंस। अब इसका क्या मतलब होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन के बिना हम एक विचारशील मनुष्य के रूप में काम कर ही नहीं सकते। मीन्स आपने देखा होगा हमेशा या फिर सुना होगा कि मनुष्यों और जानवरों के बीच में काफ़ी फर्क होता है, और सबसे मेन डिफरेंस होता है ये कि वो मनुष्य जो होता है वो सोच समझ के ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसके बिना एक मनुष्य जो होता है वो विचारशील के रूप में एक बिना सोचे काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, वी यूज इट टू रीजन, कम्युनिकेट एंड डेवलप आवर मेमोरीज थ्रू लैंग्वेज। इट मीन्स हमें इसके उपयोग से, भाषा के माध्यम से अपनी विचारों को और संवाद को जो भी है, मीन्स जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, उन्हें हम और ज़्यादा डेवलप या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने भाषा के माध्यम से, किसी से कम्युनिकेट करके। लास्ट है यहाँ पे, कैन बी यूज्ड टू रिवॉर्ड एंड पनिश, यानी किसी को रिवॉर्ड या पनिशमेंट देने में भी ये हमारी हेल्प करता है वर्बल कम्युनिकेशन। पढ़ते हैं, वी कैन ऑफर वर्बल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट टू प्रेज समवन। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को इनकरेज करने के लिए, किसी को प्रेज करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। मीन्स हम किसी को बोल कर प्रशंसा करते हैं एक पॉजिटिव वे में, तो वो उसके लिए एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, वी कैन ऑल्सो यूज इट इन अ क्रिटिकल, एग्रेसिव और हर्टफुल वे एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। और वहीं पे हम कभी कभी इस बहुत ही हार्श वे में बात करते हैं किसी से, हम किसी से नाराज़ होते हैं तो बहुत ही एग्रेसिव होकर बात करते हैं उससे, तो वो एक नेगेटिव वे में भी, यानी हम उसे पनिशमेंट के वे में भी ले सकते हैं। इस तरह से क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जो भी ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, वो हमें चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, उन्हें समझने में, जो भी रियलिटी है उन्हें समझने में, या हमें सोचने समझने की में हमें सक्षम बनाता है काफ़ी ज़्यादा तरीके से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है।